हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम आज आपको सर्वे का कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स बताएंगे जो कि इंटरव्यू के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए सीखते हैं। जैसे कि ये प्लम्बॉब लाइन है। प्लम्बॉब तो सब लोग जानते हैं क्या होता है। प्लम्बॉब ऐसे होता है, ये एक लाइन डोरी होती है और इसमें एक लट्टू लटका हुआ होता है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये तो होता है प्लम्बॉब, ठीक है। लेकिन प्लम्बॉब लाइन क्या होता है, ये इंटरव्यूअर जो होता है पूछ सकता है, या फिर एग्ज़ाम में भी आ सकता है, जो कि जो RRB JEE वगैरह की तैयारी कर रहा है। होता ये क्या है, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये इसी को बोलते हैं प्लम्बॉब लाइन, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये क्या होता है, ये जो हमारा स्केल होता है, जैसे कि हम लोग ने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा कितने स्केल की ड्राइंग बनानी है, जैसे कि 1:50 का हम बनाते हैं ड्राइंग, लेकिन हमें ये क्लियर नहीं होता है कि ये रेशियो आता कहाँ से है, ठीक है। जैसे कि ये कोई प्लाट है, मान के चलिए कि 4 मीटर का प्लाट है, ठीक है, 4 मीटर का प्लाट है ये, और हमें इसका ड्राइंग बनाना है इस कोई एक स्केल मानकर। अब स्केल कैसे, मतलब हम एज्यूम करेंगे, उसके लिए फार्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। स्केल इक्वल टू मैप डिस्टेंस, अपन ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है। तो मैप डिस्टेंस हम ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है। एक हम निकालने के लिए बता रहे हैं आपको कैसे हम ये स्केल का रेशियो निकालते हैं। 20 सेंटीमीटर अपान ग्राउंड डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर, लेकिन ये 2 यूनिट में है, 2 यूनिट में तो होनी नहीं चाहिए, हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में। तो क्या हम करेंगे, 20 सेंटीमीटर अगर इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 से 5 बार में कट जाएगा, यानी ये स्केल कितने का बना, 1:20 का, यानी 1:20 का ये स्केल बना। और इसी को हम क्या बोलेंगे पता है, इसी को हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जो कि इंटरव्यूअर पूछता है और हम लोग को ये पता नहीं होता है।